में थे और इनके डिप्रेशन का रीजन जो सामने आया है वो बहुत चौंका देने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर सवाल उठते ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई मैसेजेस आने लगे, कई मीडिया के जो ग्रुप्स है उसमें ऐसे मैसेजेस आए जिसमें उन बैनर्स के नाम है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था, उन्हें बायकॉट कर दिया था। इन बैनर्स ने डिसाइड कर लिया था कि ये अपनी किसी भी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को नहीं लेंगे। 7 बैनर्स के नाम थे इस मैसेज में और वो 7 बैनर बॉलीवुड इंडस्ट्री को रूल करते हैं। एक एक करके मैं आपको उन बैनर्स के नाम बताती हूँ और पूरी कहानी बताती हूँ। ये खबर 3 महीने पहले ही आ चुकी थी। सुशांत सिंह राजपूत एक सक्सेसफुल एक्टर थे, एक स्टार थे और उनका सुसाइड कर देना बहुत सारे सवाल उठा देता है। ऐसे में प्रोफेशनल राइवलरी सामने आई और सबके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे मैसेजेस आए जो चौंका देने वाले थे, जिसमें ये लिखा था कि इंडस्ट्री के 7 बड़े बैनर्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बायकॉट कर दिया था। सबसे पहला नाम धर्मा प्रोडक्शन। जी हाँ, करण जौहर की कंपनी। इस कंपनी को शुरू किया था उनके फादर ने, जिन्होंने दोस्ताना और अग्निपथ जैसी फिल्में बनाई थी। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन बड़ी बड़ी फिल्में बना चुकी है, राइट फ्रॉम कुछ कुछ होता है टू स्टूडेंट ऑफ द ईयर। करण जौहर पर अक्सर इल्ज़ाम लगते हैं नेपोटिज्म के, ग्रुपिज्म के। जहां नेपोटिज्म का इल्ज़ाम इन पर कंगना रनौत ने लगाया, वहीं अगर बात करें ग्रुपिज्म की तो सब जानते हैं कि बॉलीवुड में करण जौहर उन्हीं लोगों के साथ पार्टी करते हैं, उन्हीं लोगों को अपने शो पर बुलाते हैं जो उनके ग्रुप का हिस्सा होता है, यानी कि जो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं वो उनके शो पर भी इन्वाइटेड नहीं। गोविंदा जो इंडस्ट्री के सुपरस्टार है वो आज तक कॉफी विद करण पर नहीं गए हैं, यही उसका एग्जाम्पल है। कंगना रनौत को करण जौहर तब बुलाते हैं जब कंगना रनौत एक बहुत बड़ी स्टार बन जाती है। और अगर बात करें ग्रुपिज्म की तो करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो ग्रुपिज्म पर ही बेस्ड है। धर्मा प्रोडक्शन के बाद जो अगला बैनर है वो है बालाजी फिल्म्स। ये बहुत ही शॉकिंग है कि बालाजी फिल्म्स का इस लिस्ट में नाम है। बालाजी फिल्म्स वो प्रोडक्शन हाउस है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को पहचान दी थी। पवित्र रिश्ता जिस शो ने सुशांत सिंह राजपूत को पॉपुलर बनाया था, और इस शो से रिलेटेड ही एक छोटा सा किस्सा एकता कपूर ने हाल ही में शेयर किया था कि चैनल सुशांत सिंह राजपूत की जगह किसी और एक्टर को चाहता था, लेकिन एकता और उनकी टीम ने चैनल को कन्विंस कर दिया कि इस बंदे में दम है और मैं गारंटी लेती हूँ कि ये शो हिट जाएगा। और इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत फेस बने पवित्र रिश्ता का, जहां से उन्होंने पहचान ली। एकता कपूर के लिए ये बात है इंडस्ट्री में कि वो नए चेहरों को चांस देती है, उन्होंने बहुत सारे न्यू कमर्स को स्टार बनाया है, भले ही स्मृति ईरानी हो, प्राची देसाई हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत ही क्यों ना हो। लेकिन ये बात भी सच है कि जब ये स्टार्स बहुत बड़े बन जाते हैं, इनकी ब्रांड एकता कपूर से भी ज़्यादा बड़ी बनने लगती है, तब एकता कपूर के साथ इनका पंगा भी होता है और ऐसी खबरें टाइम टाइम पर सामने आती रही है। इस लिस्ट में तीसरा प्रोडक्शन हाउस वो है जो इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहा है और बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की है, बड़े स्टार के साथ काम किया है। जी हाँ, साजिद नाडियाडवाला प्रोडक्शन। दिव्या भारती इनकी वाइफ थी, इनके ग्रैंडफादर ने 100 से भी ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस की थी, इनके फादर भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। साजिद नाडियाडवाला बॉलीवुड में अपने आप में एक बहुत बड़ा कैंप है, इन्होंने बहुत बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की है, जुड़वा, हाउसफुल सीरीज, किक और हाल ही में रिलीज सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे के प्रोड्यूसर भी साजिद नाडियाडवाला ही थे। साजिद नाडियाडवाला भी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जो साल में काफी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद नाम आता है लिस्ट में टी सीरीज का। भले हम सब जानते हैं कि टी सीरीज पहले म्यूजिक का सबसे बड़ा लेबल था, लेकिन अब टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा लेबल है। ऐसा कहा गया था कि टी सीरीज का टाई अप था साल भर में 20 फिल्में बनाने का। कुछ इस तरह की डील्स टी सीरीज की रहती है चैनल्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ। यही कारण है कि टी सीरीज भी साल में मैक्सिमम फिल्में प्रोड्यूस करता है और बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा बैनर है। इस लिस्ट में शामिल है एक और बैनर जिस बैनर ने बॉलीवुड को कई बड़े सितारे दिए हैं, शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी। जी हाँ, यशराज बैनर। इनफैक्ट अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत की तो सुशांत सिंह राजपूत भी एक टाइम पर यशराज की आंखों के तारे बन गए थे।
शुद्ध देसी रोमांस उन्होंने प्रोड्यूस की थी, साथ ही उसके बाद ब्योमकेश बख्शी भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की प्रोड्यूस की थी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि बेफिक्रे फिल्म के लिए भी पहली चॉइस सुशांत सिंह राजपूत ही थे, लेकिन बाद में ब्योमकेश बख्शी का फ्लॉप होना और तब यशराज ने अपना प्लान चेंज कर दिया और इस फिल्म में रणवीर सिंह को कास्ट कर दिया। इसके अलावा पानी एक फिल्म वो प्रोड्यूस करने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ, शेखर कपूर इस फिल्म को बना रहे थे। इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने 1.5 साल तक कोई भी फिल्में नहीं ली थी। कारण था कि वो पानी में काम करना चाहते थे और यशराज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था 3 फिल्म्स का, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता तब तक सुशांत सिंह राजपूत कोई और फिल्म साइन ही नहीं कर सकते थे। इस कारण वो रामलीला का हिस्सा नहीं बन पाए, बाजीराव मस्तानी का हिस्सा नहीं बन पाए, फितूर फिल्म उन्होंने नहीं की। कुछ इस तरह की बड़ी फिल्में उन्होंने अपने करियर के टॉप टाइम पर छोड़ी थी और यहीं से सुशांत सिंह राजपूत और यशराज के बीच कोल्ड वॉर हो गया था। तो यशराज ने तो सुशांत सिंह राजपूत को तभी से बायकॉट कर दिया था। ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इस लिस्ट में अब नाम आता है दिनेश विजयन का। दिनेश विजयन एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है और हाल ही में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में प्रोड्यूस की है, लव आजकल, कॉकटेल, स्त्री, लुक्का छुपी। इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म राब्ता के प्रोड्यूसर भी दिनेश विजयन ही थे। और अब इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है उस सुपरस्टार का जो खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इनका बैनर भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है। अब तक इस सुपरस्टार के लिए कहा जाता था कि जिन लोगों को ये पसंद नहीं करते हैं उनका ये नाम भी नहीं लेते हैं और उन्हें बस इग्नोर करते हैं, ये ग्रुपिज्म, बायकॉट करना, ये सब ये नहीं करते थे। लेकिन अब इसमें इनका नाम आना बहुत ही चौंका देने वाला है। जी हाँ, लास्ट नाम है इसमें सलमान खान फिल्म्स का। सलमान खान के लिए कहा जाता है कि वो इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को सबसे ज़्यादा चांस देते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इस लिस्ट में सलमान खान का भी नाम है। ये जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं ये इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन प्रोडक्शन हाउसेस पर। ताजब होता है ये जानकर कि ये मुट्ठी भर लोग डिसाइड कर देते हैं किसी भी स्टार का फ्यूचर। इन सब के बायकॉट करने से सुशांत सिंह राजपूत के पास ऑप्शन ये था कि या तो वो टीवी सीरियल करे या फिर वो वेब सीरीज करे। कुछ ऐसी सिचुएशन में सुशांत सिंह राजपूत आ गए थे। और सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ इस तरह से इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म हुआ है इसकी खबर आ गई थी फरवरी में ही। जी हाँ, केआरके ने अपना एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें उन्होंने इन सभी प्रोडक्शन हाउसेस का नाम मेंशन किया और लिखा था कि इन सभी प्रोडक्शन हाउसेस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया है और अब उनके पास ऑप्शन है सिर्फ टीवी सीरियल और वेब सीरीज करने का। और कुछ ही महीनों में वो सुशांत सिंह राजपूत जो अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, फिनेंशियली सिक्योर थे, जो एक्टर एक स्टार है, जो अपनी लाइफ में सेटल्ड है, उन्होंने इंडस्ट्री में बेहतरीन फिल्में की है और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है, वो एक्टर अपनी लाइफ के इस पॉइंट पर इतना कुछ होते हुए अपने आप को ख़त्म कर देता है बिना कुछ बोले। ये बहुत कुछ कह जाता है हमारी इस इंडस्ट्री के बारे में। वेल, अगर ये मैसेजेस, ये ट्वीट यही सच्चाई है तो फिर इस बात से इंडस्ट्री का एक और चेहरा, एक और डबल स्टैंडर्ड सामने आता है, क्योंकि जिन लोगों का बायकॉट की लिस्ट में नाम है उन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर ट्विटर पर आंसू बहाए हैं, इमोशनल मैसेजेस लिखे हैं। पर आपको क्या लगता है, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को सपोर्ट करने वाले, ग्रुपिज्म को सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? क्या इनके ऊपर भी कोई एक बॉडी को बिठाना चाहिए जो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखे और नज़र रखें? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें अपनी राय को। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। देखते रहिए ठिकाना।